हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्रिया के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ और ये बताऊँगी कि क्रिया कहते किसे हैं। क्रिया को इंग्लिश में हम वर्ब के नाम से जानते हैं, तो आज हम सीखते हैं क्रिया। तो देखिए, इसमें इस पिक्चर में जो है आपको एक लड़की दिखाई दे रही है जो कि लिखती हुई नज़र आ रही है। तो ये लिखने का काम कर रही है, ये लड़की क्या कर रही है, लिखने का काम कर रही है, यानी लिखने का वर्क कर रही है। तो इसी वर्क को, इसी लिखने के काम को जो है हम क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है, ये एक छोटा बच्चा है उसके बगल में और यह जो है मैट पर बॉल के साथ, कुछ खिलौनों के साथ खेल रहा है। तो ये भी मतलब बच्चा क्या कर रहा है, खेलने का काम कर रहा है। इसके बगल में फिर जो है सोफे पर इसके जो हैं पिताजी हैं, बच्चों के जो पिताजी हैं वो जो है क्या कर रहे हैं, अखबार पढ़ने का काम कर रहे हैं। यानी ये भी एक वर्क कर रहे हैं। कौन सा वर्क कर रहे हैं, अखबार पढ़ने का वर्क कर रहे हैं, यानी अखबार पढ़ने का काम कर रहे हैं। तो ये इनका अखबार पढ़ना क्या है, क्रिया है। इसी तरह से यहाँ पर माताजी बैठी हैं सोफे पे और सब्जियाँ काट रही हैं, कुछ सब्जियाँ थाली में इन्होंने ले रखी है, तो ये सब्जी काटने का काम कर रही हैं, यानी ये भी एक काम कर रही हैं। तो इनके सब्जी काटने के काम को ही हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं या वर्ब कहते हैं। और ये बच्चा खेल रहा है तो इसके खेलने के काम को हम क्या कहते हैं कि यह भी एक क्रिया कर रहा है। तो इसके बाद जो है हम इस पैराग्राफ में आपको मैं बताती हूँ कि क्रिया कौन कौन से वर्ड हैं। देखिए, आपको इसमें पिंक कलर के जितने भी वर्ड लिखे गए हैं ये सारे जो हैं वो क्रियाएं हैं। तो मैं ये पैराग्राफ पढ़ती हूँ। देखिए, रिया, ये जो लड़की है उसका नाम है रिया। तो रिया क्या कर रही है, लिखने का वर्क कर रही है। तो ये हो गया क्रिया। तो क्रिया में क्या है, देखिए ये पिंक कलर का जो लिखा हुआ है ये हमारा क्रिया है। इसके बाद है मोहित खिलौने से खेल रहा है। तो इसमें ये जो लड़का है, छोटा बच्चा है, ये खिलौने से खेल रहा है, तो इसमें खेलना जो है ये पिंक कलर का क्रिया है। फिर इसके बाद पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं ये जो है क्रिया। इसके बाद माताजी सब्जी काट रही हैं, तो काटने की क्रिया कर रही हैं, तो काट रही हैं ये जो है क्रिया है। इन वाक्यों में ये सब क्या हैं, क्रियाएँ हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने का पता चले उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो कुछ मैं आपको और एग्जांपल के थ्रू बता रही हूँ, जैसे कि पढ़ना, हंसना, खाना, पीना, सोना, चलना, गाना, लिखना, उड़ना, तैरना, उगाना इत्यादि, ये सब हमारी क्या हैं, क्रियाएं हैं। तो देखिए, ये क्रिया के कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जिसके थ्रू मैं आपको और अच्छे से मतलब क्लियर कर दे रही हूँ कि क्रिया क्या होती है। जैसे ये देखिए, एक बच्चा है, बैट लिया हुआ है, तो इसमें क्या है, राजीव अच्छा क्रिकेट खेलता है, तो ये खेलने का वर्क कर रहा है, तो खेलना क्या है, इसमें क्रिया है। इसके बाद है नैना रोज़ स्कूल जाती है, तो ये लड़की नैना जो है ये स्कूल जाने का काम कर रही है, तो जाती है क्या है, ये हमारी क्रिया हो गई। मनोज ने अच्छा गाना गाया, तो ये गाया भी एक क्रिया है। इस तरह से आज ये मेरी क्रिया की डेफिनेशन कंप्लीट होती है। इसके बाद मैं आपको क्रिया के भेद अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी।